बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वी वर स्टडिंग चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आवर टुडेस टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच इज ऑन पेज नंबर 68 एंड 69 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। प्रीवियसली वी स्टडीड अबाउट अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स एंड वी सेड जब कभी भी अल्केन्स में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं द रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं एक अल्काइल रेडिकल। जैसे कि हमारे पास है मीथेन CH4, अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा CH3 विद अ बॉन्ड फ्री, क्योंकि अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, इसके पास एक अवेलेबिलिटी है कि यहाँ पर कोई और एटम आके बाइंड हो सकता है। तो अब ये जो हमारे पास स्पीशी तैयार हुई है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, एक अल्काइल रेडिकल, और इसका नेम है मीथाइल। इसी तरीके से हमारे पास था इथेन, ऐसे लिख लें, या C2H6। अगर इसमें से भी हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा C2H5, और अब इसका नाम क्या है, इट इज इथाइल एंड अल्काइल रेडिकल। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वही आगे हम फंक्शनल ग्रुप्स में के अंदर इस्तेमाल करेंगे। सो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं, जिससे उसकी प्रेजेंस की वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। The organic compounds having ester linkage as functional group give characteristic smell, aroma, fragrance. Example के तौर पे आपको बता रहे हैं कि ऐसे organic compounds जिनमें functional group ester है, ester linkage बनाते हैं, तो उनमें हमें एक special किस्म की smell, एक special किस्म की fragrance महसूस होती है, और ये इसकी presence होने की वजह से ये एक characteristic है जो उस compound में develop हो रही है। यानी कि एस्टर लिंकेज होने की वजह से वो कंपाउंड स्मेल दे रहा है, एक फ्रेग्रेंस, एक अच्छी एरोमा दे रहा है, तो इसलिए हम इन जो है वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन किन जो है वो एटम्स से ये मिलके बना है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस। तो अब हमारे पास इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली है द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन में होने ही हैं, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हो गई, ऑक्सीजन। इन द अदर टाइप इज विद नाइट्रोजन एंड विद हैलोजन्स एंड द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। So let's study in detail today this one, and in the next lecture we will study all these 3. So depending upon the presence of carbon, hydrogen and oxygen, we have these different types. The first one is alcoholic group, ether linkage, aldehyde group, ketonic group, carboxyl group and ester linkage. इन सब की कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, स्पेसिफिक एक ग्रुप है जो कि किसी भी अल्काइल रेडिकल के साथ जब अटैच हो जाएगा तो वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड को देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहलिक ग्रुप को। तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH अगर आपको मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था R का क्या मतलब है, R represents an alkyl radical। तो यहाँ पर आप कोई भी alkyl radical अटैच करें और उसके साथ OH लिखते हैं तो आपका जो है वो एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। हमारे पास है मीथेन CH4, इसका हमने जो है वो एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो अब ये क्या बन गया, मीथाइल रेडिकल। अब यहां से जहां आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, अगर इसकी जगह हम OH फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तो ये अब क्या बन गया, मीथाइल अल्कोहल, क्योंकि हमने इसमें OH फंक्शनल ग्रुप ऐड किया, तो ये बन गया मीथाइल अल्कोहल या मेथनल।
और OL जो है इन किसी भी कंपाउंड के एंड पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंड पे जब आप OL देखते हैं तो इसका मतलब है उसमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप OH होगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है फिनोल, अब इसके एंड पे क्या है OL, ओल, सो इट मींस इसके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास OH एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहल्स से मिलती जुलती होंगी। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हमारे पास है इथेन। अब इथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये बन गया इथाइल रेडिकल, और अब इस इथाइल रेडिकल के इस जगह पे जहां हमने हाइड्रोजन रिमूव किया उसकी जगह हम OH ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल या एथेनल, कोई भी नेम आपको जो सूट करे वो आप इसका लिख सकते हैं। कि हमने मिथाइल से चूके बनाया तो हमने लिख दिया कि मिथाइल है और साथ में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है ईथर लिंकेज। अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो ऑक्सीजन मौजूद हो तो उस जो है वो ग्रुप को हम कहेंगे ईथर लिंकेज। जैसे कि हमारे पास ये इस वक्त इसके लिए हमारे पास दो अल्काइल रेडिकल्स या दो से ज्यादा अल्काइल रेडिकल्स की जरूरत होती है, लेकिन हमें चाहिए दो मेन कार्बन एटम्स जिनके दरमियान ऑक्सीजन होगा। जैसे इस वक्त हमारे पास है मीथेन, इसमें से हमने जो है वो एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये बन गया मिथाइल रेडिकल। अब इसी तरीके से एक और मिथाइल रेडिकल, क्योंकि हमने जो ऑक्सीजन है वो दो कार्बन्स के दरमियान चाहिए तो एक और मिथाइल रेडिकल लिया, इनके दरमियान में है ऑक्सीजन, तो अब ये जो हमारे पास बॉन्ड तैयार हुआ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का, इसे हम क्या कहते हैं ईथर लिंकेज। और इसका नाम क्या हुआ, हमने दो मिथाइल इस्तेमाल किए हैं तो ये बन गया डाई मिथाइल ईथर। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर है इथाइल इथेन, एक हाइड्रोजन रिमूव किया ये बन गया इथाइल। अगर इसके साथ हम लोग मिथाइल रेडिकल के साथ इसको अटैच करें, यानी कि एक तरफ इथाइल रेडिकल है एक तरफ मिथाइल रेडिकल है दरमियान में ऑक्सीजन, तो अब ये क्या बना, ये जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड है ईथर लिंकेज, और इसका नाम क्या हुआ इथाइल मिथाइल ईथर। उसके बाद है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ एच फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा अल्काइल रेडिकल के साथ तो उसे हम क्या कहेंगे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि यह है हमारे पास मीथेन, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन मेक्स इट मिथाइल, और अब इसकी जगह जहां से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है इस जगह पर हम लगा रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड या इथाइल एल्डिहाइड। सिमिलरली हमारे पास है इस वक्त मीथेन, सॉरी इथेन, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन मेक्स इट इथाइल रेडिकल, अब इस इथाइल रेडिकल की जगह सी डबल बॉन्ड ओ एच फंक्शनल ग्रुप हमने अटैच किया, क्या बन गया प्रोपेनल्डिहाइड। अब आप लोग इसमें जो है वो कंफ्यूज होंगे, और वो इस बात पे कि यूज हमने किया है इथेन, नाम हम दे रहे हैं प्रोपेन के नाम से। द रीजन इज इस वक्त इसमें तीन कार्बन मौजूद हैं, इससे पहले किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद नहीं था। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहल्स का तो वो OH था, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप था तो उसमें हमने पढ़ा के दरमियान में ऑक्सीजन होना चाहिए। अभी हम थर्ड पर रहे हैं तो इसमें क्या है सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर एक कार्बन हम खुद से चेन में ऐड कर रहे हैं तो उसको हम नेम कर जो है वो लिखते वक्त काउंट करेंगे, तो इस वक्त टोटल तीन कार्बन है और तीन कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं और फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड तो इसलिए इसका नाम हुआ प्रोपेनल्डिहाइड। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वही सेम, लेकिन अब वहां पर क्या था सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच था, अब हमने ये एच नहीं ऐड करना, हमने क्या ऐड करना है सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो इसमें ये ग्रुप ऑफ एटम्स हमने ऐड किए तो ये हमारा बन जाएगा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। सो लेट्स टेक द एग्जांपल, हमारे पास है मीथेन, अब ये क्या बन गया मिथाइल रेडिकल, अब यहां पर हमने लगा दिया एक और मिथाइल रेडिकल और इनके दरमियान में हमने अपना जो है ये फंक्शनल ग्रुप ऐड किया तो अब ये क्या बन गया, अब ये टोटल तीन कार्बन एटम्स हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास
जो है वो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है, तो अब इसका नाम क्या है, डायमिथाइल, दो मिथाइल हमने इस्तेमाल किए, फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इसी तरह से हमारे पास है इथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये बन गया इथाइल रेडिकल। और इसी तरह इसके साथ अगर हम यूज करें मिथाइल रेडिकल, हमारी मर्जी, हम दोनों साइड पे चाहे सेम जो है वो अल्काइल रेडिकल्स इस्तेमाल कर लें या डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स इस्तेमाल कर लें। जैसे पीछे वाले एग्जांपल में हमने दोनों तरफ मीथेन मिथाइल रेडिकल इस्तेमाल किए, अब यहाँ पर हम दो ऑपोजिट रेडिकल्स यूज कर रहे हैं, एक इथाइल एक मिथाइल। तो अब इसमें भी हमारा वही, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं तो ये अब बन जाएगा इथाइल, एक तरफ हमने इथाइल रेडिकल यूज किया, एक तरफ मिथाइल रेडिकल, और इन द फंक्शन ग्रुप कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। उसके बाद है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो अब इसी तरीके से हमारे पास है मीथेन, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन मेक्स इट मिथाइल रेडिकल, और यहां पर हमने हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ऐड किया, तो ये अब क्या बन गया, एसिटिक एसिड विनेगर। इसी तरीके से हमारे पास है एस्टर लिंकेज, और एस्टर लिंकेज सी डबल बॉन्ड ओ ओ को रिप्रेजेंट करता है, तो जनरल फॉर्मूला आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर प्राइम, आर और आर प्राइम ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों तरफ सेम अल्काइल रेडिकल्स भी हो सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है इस वक्त ये मीथेन, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये बन गया मिथाइल रेडिकल, और इसी तरीके से एक और मिथाइल रेडिकल, क्योंकि दो हमें आर चाहिए, सेंटर में क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, और अब ये क्या बन गया, मिथाइल एसीटेट, द एस्टर लिंकेज। इसी तरीके से हमारे पास है इथेन, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, बन गया इथाइल रेडिकल, इसी तरीके से दूसरी तरफ हम मिथाइल रेडिकल यूज कर रहे हैं, और दरमियान में हमारा फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, ये है क्या, इथाइल एक तरफ यूज किया, एक तरफ मिथाइल, दरमियान में एसीटेट, द आर फंक्शनल ग्रुप एस्टर। अब हमने जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स को जो है वो सारे आज के फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस कर लिया। अब इसको जो है वो लर्न करने का एक इजी मेथड है, आप लोगों ने जो है वो पीछे अभी लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने दो अल्काइल रेडिकल्स आपको ये जो है वो डिस्कस किए, वन वाज मीथेन CH3 एंड द अदर वन सॉरी CH3 मिथाइल रेडिकल एंड द अदर वन वाज C2H5 द इथाइल रेडिकल। आप इन्हीं इथाइल रेडिकल्स के आगे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ऐड करते जाएं और उसका नेम उसके अकॉर्डिंग एंटर कर दें, तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद हो जाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहल, हमने ये हमारे रेडिकल के साथ लगा दिया अल्कोहल, ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से सेकेंड वन की जगह आपने लगाया OH अल्कोहल, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल। उसके बाद हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप था कि दो कार्बन्स के दरमियान ऑक्सीजन है, जैसे हमने कहा ईथर लिंकेज, तो हम लोगों ने अब दो कार्बन यानी कि हमें दो अल्काइल रेडिकल्स चाहिए, तो हम लोगों जो है वो दो अल्काइल रेडिकल्स लिख लेते हैं CH3 C2H5, दो अल्काइल रेडिकल्स हो गए, इन दो अल्काइल रेडिकल्स के दरमियान क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, ईथर लिंकेज। ये क्या है, डाय मिथाइल ईथर, डाय इथाइल ईथर, द फंक्शनल ग्रुप विच हैज ऑक्सीजन बिटवीन टू कार्बन एटम्स। उसके बाद हमारा थर्ड फंक्शनल ग्रुप है विच इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, विच इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं, हमारे ये हमने वही स्टार्टिंग वाला ही, हमारे पास जो हमारे अल्काइल रेडिकल्स थे इनके आगे बस हमने लगाना है हमारा फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, तो क्या बन गया ये, मिथाइल, आपने मिथाइल रेडिकल यूज किया, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप था कि जिसमें से ये हाइड्रोजन हमने खत्म कर दिया, हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो कि कीटोन है, उसमें क्या था,
सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों तरफ अगर हम हमारे रेडिकल्स लगा लेते हैं C2H5 और CH3, तो ये हमारे बन जाएंगे डाई इथाइल कीटोन। इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसी तरीके से इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ OH। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद होंगे तभी आप इनके इजीली अल्काइल रेडिकल्स के साथ इनको अटैच करते जाएं और इनके जो है वो कंपाउंड्स आप तैयार करते जाएं। तो इसमें भी आप देखेंगे तो पहला था OH, देन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, थर्ड वन वाज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर फोर्थ वन जो कीटोन है अगर इसकी हम लोग सीक्वेंस देखें, इस कीटोन में हमने एक हाइड्रोजन ऐड किया, ये बन गया था एल्डिहाइड। इसी हाइड्रोजन में एक और ऑक्सीजन ऐड करें तो ये आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरीके से सीक्वेंस से याद रखें तो आपको ये इजीली रिमेम्बर रहेगा और इन रेडिकल्स को इस्तेमाल करके आप इनके एग्जांपल्स को इजीली याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।